पहली बात तो पूजन वो खासदार उधर मावल लोकसभा का है, उसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर पिंपरी चिंचोड़ के मेयर जो 3 दिन के बाद में जाने वाले उसके बारे में मैं कहा कि वो पिंपरी चिंचोड़ का जो मेयर है, वो जो पिंपरी चिंचोड़ का प्रथम नागरिक है, उनका जो अधिकार है वो जल पूजन करना, तो वही हर साल में करते, ये साल भी वो करने वाले है, मगर वो जल पूजन के टाइम में खासदार श्रीरंग बारनी जी ने कहा कि पिंपरी चिंचोड़ का जो सत्ताधारी पार्टी, उन्होंने जो गलत तरीके से काम किया, इसके वजह से लोगों को 1 दिन के बाद में पानी आ रहा, तो उसका उसको कल मैं वही बताया कि 2017 में जब हम पिंपरी चिंचोड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुन के आने के बाद में, हमारा सत्ता आने के बाद में, हम 2017 में 300 MLD का मंजूरी आंध्रा और भामासखेड़ से लिया, तो उसके बाद में इमीजिएट जिलाधिकारी कार्यालय से तब हमारे दोनों आमदार लक्ष्मण जगताप और आमदार महेश दादा लांगे और वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और जल संपदा मंत्री गिरीश जी महाजन, इनके पास से हम 300 MLT का परमिशन लिया और DPR बना के टेंडर हो गया। टेंडर जब फाइनल होने के बाद में उसका 80% काम जो है, जल शुद्धिकरण केंद्र है, जैकवेल का है, पाइपलाइन का डालना है, का टंकी, वो समांतर पद्धति से हम बनाया है, और नवंबर में या दिसंबर में हम पिंपरी चिंचोड़ के लिए ये 100 MLT आंध्रा से जो पानी मिलने वाला है वो लोगों को देने वाला है। इसका नियोजन हम किया, और इसके बारे में जो गलत तरीके से लोगों में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो फैलाव करने के बारे में खासदार जी ने कहा, उसके तहत मैं कल ये स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए खंबीर है, और वो भाजपा लोगों का पीने का पानी जो है वो सॉल्व करने को ऑलरेडी काम हम 80% कर दिया है उधर आंध्रा का।